बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ तारलेकर ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। जब वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में राजेंद्र तारलेकर ने कहा कि करोड़ों राम भक्तों की इच्छा थी कि राम मंदिर बने, अब मंदिर बन गया है। राज्यपाल ने कहा कि राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। इस राष्ट्र मंदिर को लेकर सभी के मन में सद्भावना पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में बहुत फर्क आ गया है। कहा है, मैं भी कहता हूँ कि ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। तो इस राष्ट्र मंदिर को लेकर सबके मन में एक अच्छी सद्भावना निर्माण हुई है। इससे देश का वातावरण अपना देश के भविष्य के लिए पूरक और पोषक बन गया है। मैं सिर्फ श्री राम जी से मेरी प्रार्थना यही है कि अपने सभी केवल उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश भर के सभी निवासियों को लोगों के लिए ही उनकी कृपा हमेशा के लिए रहे, सबकी समृद्धि और उत्कर्ष रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह आज मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने वृंदावन जाकर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। सोनल शाह ने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बांके बिहारी मंदिर में सेवाधिकारी गोस्वामी ने पूजन करवाया। उन्हें भोग और प्रसादी दुपट्टा भेंट किया गया। दर्शन के बाद मंदिर सेवायतों ने सोनल शाह का माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। सोनल शाह अक्सर मथुरा वृंदावन दर्शन करने आती रहती है। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम के बीच बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। एसपी कांग्रेस समेत दूसरे दलों के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव प्रदीप सिंह बब्बू, पूर्व मंत्री मुकेश सोनकार, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जिशान हैदर समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में सभी की ज्वाइनिंग कराई। पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले साथी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी के विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए हो रहे यज्ञ में सभी साथी अपना आहुति डाल रहे हैं। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। लाखों की संख्या में अभी तक भारतीय जनता पार्टी में बड़े सीनियर वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रायबरेली भी हम जीतेंगे, कन्नौज भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ही जीतेगी। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।